तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने, जैसे कि हमने पितृपिंड पोटली प्रेत भी हमने पढ़ा था, ये भी जो है स्वेदन कर्म में आता है, और षष्ठी शालिक हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो षष्ठी शालिक में जो भी इंडिकेशंस होते हैं वो थोड़ा रह गया था, तो उसमें मेनली जो नर्वस टिश्यू से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, नर्वाइन डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे वात रोग रहता है, ठीक है, सिकनेस हो गई, या फिर वीकनेस है बॉडी बॉडी पार्ट में वीकनेस है, या छोटे बच्चे में कुछ पाल्सी वगैरह होती है, जैसे सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट है, वीकनेस रहती है ना, नर्वस टिश्यू वीक रहता है, मसल्स उनकी वीक रहती है, तो उसमें काफ़ी इफेक्टिव है, ठीक है, षष्ठी शालिक पिंड स्वेदन। तो मेनली जितने भी वात से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है, जैसे अगर स्टिफनेस है, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स हो गया, पेन से रिलेटेड इश्यूज हो गया, पेन होल बॉडी में हो गया है ना, मसल मास जो है इसमें नहीं है, प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा है, वीकनेस है, तो इन सब में षष्ठी शालिक पिंड स्वेदन काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी इफेक्टिव थेरेपी है, ठीक है, इससे ब्लड प्रेशर इम्प्रूव होता है और जो भी नरिशमेंट है बॉडी को प्रॉपरली मिलना स्टार्ट होता है, जिससे जो भी अनडेवलप्ड बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली नरिशमेंट लेने से जो है वो प्रॉपरली डेवलप होते हैं, ठीक है। तो जनरली इसमें हेमिप्लेजिक पेशेंट हो गया, या पैरालिटिक कंडीशन हो गया, स्किन डिजीज हो गया, ठीक है ना, जो विटामिन बी की कमी से होने वाली जो डिजीज है उनमें काफ़ी इफेक्टिव थेरेपी होती है षष्ठी शालिक पिंड स्वेदन, ठीक है। इसके आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना जंभीर पिंड पोटली स्वेद, है ना, जंभीर पोटली स्वेद। जंभीर मतलब यहाँ से, जंभीर का मतलब है जो भी हमारा नींबू होता है, लेमन का यूज किया गया है मेनली, ठीक है ना। ये जो स्वेदन कर्म होता है, जो सुडेशन फॉर्म होती है, इसमें क्या रहता है, जंभीर नींबू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसमें स्वेदन कर्म किया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ द हीटेड बोलस टू बैक पोर्टली फ्राइड विद जंभीर एंड अदर ड्रग्स, जो भी अदर द्रव्य होते हैं, है ना, जैसे लहसुन हो गया, गार्लिक है, सैंडल है, ठीक है, मेथी है, जिसमें वात शामक द्रव्य है, तो उनको सबको यूज किया जाता है और पोटली बनाकर इसमें पेशेंट की जो है, इसमें हम पेशेंट को जो है स्वेदन कर्म करते हैं, है ना, पत्र पिंड पोटली की तरह ही इसमें हम जंभीर नींबू का प्रयोग करते हैं। तो मेनली इसमें अगर हम बात करें तो इसमें मटेरियल रिक्वायरमेंट जो रहती है वो क्या क्या रहेगी, तो सबसे पहले तो हमें कपड़ा चाहिए, है ना, कॉटन का कपड़ा होना जरूरी होता है इसमें, जिसकी पोटली बननी होती है, तो 45 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर की लेंथ और ब्रेथ के जो है हमें कॉटन क्लॉथ लेने हैं, चार कम से कम, ठीक है। उसी प्रकार से उसे पोटली बनाने के बाद उसको बांधने के लिए हमें धागे की जरूरत होती है, तो थ्रीड की जरूरत होती है, फिर अलग अलग कंटेनर्स की जरूरत होती है, जैसे कढ़ाई ले सकते हैं और जो भी स्पैचुला या फिर चमचा जो होता है ना, बड़ी चम्मच स्पैचुला जिसको उसको मिलाने के लिए यूज करते हैं, अदर वेसल्स भी हमें जरूरत इसमें पड़ती है गर्म करने के लिए, तो इसकी जरूरत पड़ती है, टॉवल्स की जरूरत होती है इसमें, नापने के लिए मेजर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे मग या फिर कोई वेसल का जो जो मैपिंग, जिससे मैप माप माप सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी भी हमें द्रव्य लेने हैं, उस हिसाब से मेजर्स की जरूरत पड़ती है, एक अटेंडेंट रहता है जो सहायता करता है, और बाकी क्या रहता है इसमें, लेमन, जंभीर नींबू, मोटे मोटे नींबू होते हैं मेनली, है ना, जंभीर नींबू का प्रयोग किया जाता है, उसको अच्छी तरह से हम काट लेते हैं, चॉप कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेज में, सॉरी, जो मेन नींबू का प्रयोग किया जाता है, जो बड़े नींबू रहते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं, जनरली आधे किलो से 750 ग्राम तक हम उसमें लेते हैं, और इसमें लेते हैं रॉक साल्ट पाउडर लेते हैं, ठीक है ना, टर्मरिक पाउडर, इसमें हल्दी का प्रयोग किया जाता है, सुटेबल ऑयल जैसे सैंधव आदि तेल ले सकते हैं, या कपूर आदि तेल, ठीक है ना, महानारायण तेल, या जो भी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जरूरत पड़ती है तेल की, तो वो तेल का यूज किया जाता है,
तो टेबल ऑयल हो गया, उसके बाद राशनादि चूर्ण का प्रयोग इसमें हमें करना होता है। राशनादि चूर्ण इसमें लेते हैं लास्ट में, जिससे हम लेपन करते हैं पेशेंट का। उसके बाद सुटेबल ऑयल हम एक कोई भी वाच शामिल, जैसे जॉइंट केयर ऑयल हो गया या फिर महानारायण ऑयल, जैसे तिल तेल आदि, इनका यूज किया जाता है जिससे पेशेंट की जो है अभ्यंग किया जाएगा। तो अराउंड इसको 100 ग्राम्स के, 100 ml के अकाउंट लेता है, ठीक है। उसके बाद ऑयल फॉर रीहीटिंग द बोलस, मतलब जो हमने पोटली बनाई है उसको गर्म ऑयल में डिप करके हमें पेशेंट की मसाज करनी होती है, तो उसके लिए भी हमें अलग से ऑयल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इंग्रेडिएंट हमें जो है एकत्र कर लेने हैं, उसके बाद हम इसमें अपनी पोटली का निर्माण करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि हमें क्या करना है कि जंभीर नींबू नींबू ले लेने हैं हमें, ठीक है ना। जब हम इसकी पोटली बनाएंगे तो सबसे पहले तो जंभीर नींबू लेंगे, बड़े नींबू होते हैं। उसके बाद छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में उसको काट देते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसमें हम कोकोनट पाउडर जो होता है वो भी ऐड करते हैं, कोकोनट पाउडर यूज किया जाता है। उसको फिर फ्राई करेंगे, ठीक है। फ्राई करने के बाद उसकी बाहर निकाल लेंगे मेडिकेटेड, और उसके बाद फिर मेडिकेटेड ऑयल डालकर, ठीक है, उस मिक्सचर को मिक्स करेंगे। और ये तब तक हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे जब तक रेडिश ब्राउन ना हो जाए, ठीक है ना, रेडिश कलर का होने के बाद। उसके बाद फिर हम उसको बाहर निकालेंगे, फिर उसमें जो हमारे पास जो भी कॉटन क्लॉथ जो हमने लिया था, ठीक है, 4 कॉटन क्लॉथ लिए थे, उसमें से 2 में से हम इसको रख लेंगे, आधा आधा कर कर रखेंगे, और उसके बाद उसको फिर से टाइट कर देंगे। इस प्रकार से हमें वो बोलस पोटली बनानी होती है, ठीक है। इसके बाद फिर इन सम केसेस गार्लिक पर्ल्स आर एडिड, है ना, मैंने जैसे बताया भी था कि कुछ केसेस में जो है गार्लिक लहसुन का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। तो लहसुन का भी यूज हम इसमें कर सकते हैं। और लोकल सेडेशन 2 बोलस आर रिक्वायर्ड, ठीक है, 2 पोटली में बनानी होती है जनरली। और होल बॉडी अगर हमें करना है, मतलब अगर हमें किसी एक पार्ट का, अगर हमें उसका जंभीर पिंड पोटली स्वेदन करना है, जैसे बैक का करना है, ठीक है ना, बैक शोल्डर रीजन का अगर हमें पेशेंट का करना है, तो जनरली हमें 2 की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें होल बॉडी का करना है तो हमें जो कम से कम 4 पोटली में बनानी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमने पोटली बनाई है, जो बोलस हमने बनाया है, में रखेंगे, अंदर मेडिकेटेड ऑयल होता है ना, जनरली गर्म ऑयल में डिप पेशेंट की मसलिंग की जाती है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से उसमें अरेंजमेंट बनाएंगे ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह सके। जिस बाउल में हमने ऑयल लिया है, उसमें पोटली रखी है, तो उसको हम एक ऐसे अलग से चौड़े मुंह वाले बर्तन में रख देंगे जिससे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर उसका मेंटेन किया जा सके। तो एक तरह से हम इसके लिए गर्म पानी ले सकते हैं, ठीक है। तो गर्म पानी लेंगे, 1.5 लीटर पानी लेंगे, उसमें फिर वो पैन रखेंगे जिसमें हमने पोटली और ऑयल रखा है, तो गर्म, तो वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, तो ये होल मसल जाती है करीबन 40 40 मिनट, 40 से 45 मिनट तक उसमें हमें पेशेंट करनी होती है। तो इस प्रकार से पूरी मसाज इसमें की जाती है, पेशेंट को जो है जो स्वेदन दिया जाता है निवास स्थान पर, मतलब निवास यानी कि जहाँ पर हवा ना लगे, डायरेक्ट हवा नहीं लगती है पेशेंट को। तो जो भी थेरेपी रूम होता है, इस प्रकार से हमें उसको अपना रखना है ताकि डायरेक्ट हवा उसमें ना रहे, तो पेशेंट की मसाज उसमें उस प्रकार से हमें करनी होती है। जो टोटल टाइम जो होता है वो 40 से 45 मिनट तक होता है, लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन या फिर इन्वायरमेंट अगर सुटेबल नहीं है, जैसे अगर गर्मी है, तो हम उसको 15 से 20 मिनट तक उसकी मसाज हम करते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है सीजनली भी किस कितने समय तक हमें इसमें मसाज करनी होती है। तो बात करते हैं इसमें इंडिकेशन की, जो जंभीर पिंड स्वेद होगा वो किस किस में हम करते हैं। तो सबसे पहले तो रूमेटोइड आर्थराइटिक या फिर मस्कुलर क्रैम्प्स अगर पेशेंट को है ना, उसमें काफी इफेक्टिव है ये, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट अगर है, ठीक है ना, स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स है, या फिर एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ना,
तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पूरी होल बॉडी स्टिफ हो जाती है, पेशेंट को जो है चलने फिरने लेटने में, है ना, बैठने उठने से काफी जो है उसको परेशानी होती है, तो वो प्रॉपरली अपने डेली रूटीन के जो काम है वो भी प्रॉपरली नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है उसमें हम गंभीर पिंड पोटली स्वेदन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं कि इसको जब हम पेशेंट पर अप्लाई करते हैं तो उसमें जनरली हम प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए, है ना, सावधानी की हमें क्या आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी हम मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हमें ये ध्यान रखना है कि ज्यादा ओवर हीट ना हो, है ना, प्रॉपरली ज्यादा ज्यादा फ्राई ना हो पाए, तो इस हिसाब से उसको हम लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि प्रॉपरली इस प्रकार से हमें उसको प्रॉपरली फाइल नहीं करना होता है। तो आगे की बात अगर हम करते हैं तो जो पोटली हमने बनाई है उसको फॉर्मली जो है हम इस प्रकार से रखते हैं ताकि वो लीकेज ना रहे, ठीक है, क्योंकि अगर लीक करेगा तो उसमें ऑयल लीक हो सकता है और पेशेंट को जो है वो डायरेक्ट बर्न कर सकता है, तो इन चीजों का हमें ध्यान करना होता है। सेकेंडली क्या है, जो थेरेपिस्ट है, ठीक है ना, थेरेपिस्ट को बार बार जब हम पेशेंट पर अप्लाई करते हैं बोलस, तो हमें बार बार उसको चेक करना है कि ज्यादा टेम्परेचर जो है उसको ना दिया जाए, ठीक है। तो पहले डायरेक्ट पेशेंट की बॉडी पर अप्लाई करने से पहले पेशेंट थेरेपिस्ट जो है बोलस को पहले खुद अपने बॉडी पर टेस्ट करेगा, उसके बाद इस पर पेशेंट की बॉडी पर उसको अप्लाई करता है। तो ये तो कुछ प्रिकॉशंस थी जो हमें लेनी होती है। अगर इन केस कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे एलर्जी कंडीशन हमें देखने को मिलती है पेशेंट में अधिकतर, कि डायरेक्ट अगर हम उसको पोटली करा रहे हैं तो उसमें कुछ पेशेंट्स में इरिटेशंस हो जाती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें हमें ध्यान करना है, फिर आगे हमें अपनी थेरेपी को स्टॉप कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से हमें उसमें मेंटेन करना है, और जो भी एट ए टाइम हमें एक जो भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या फिर जैसे जो भी बर्निंग अगर पेशेंट को हुई है तो जाता भी ऑयल वगैरह हम यूज कर सकते हैं एट ए टाइम, ठीक है, उन चीज़ों का हमें अपने साथ में रखना है। तो ये तो रहा कॉम्प्लिकेशन, द मैनेजमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। सेकेंडली क्या होता है कि अधिकतर केस में पेशेंट को अगर हीटिंग ज्यादा हो गई है ना, और कुछ ऐसे होता है कि कुछ कंडीशन में तो हीटिंग ज्यादा रहती है तो वो सहन नहीं कर पाता, तो फेंटिंग होने लगती है, तो पेशेंट को तुरंत जो है हमें थेरेपी जो भी हमारी टेबल है उससे उतार कर अलग से बिठा देना है, और उसमें ठंडा पानी के छींटे उसके मारने हैं, है ना, ट्विंकल ऑफ द कोल्ड वाटर ऑन द फेस, ठीक है। तो इन चीजों का हमें ध्यान करना है, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि उसको जो भी ऑयल हमारे पास है, ठीक है, उस ऑयल को और जो आंवला पाउडर है उसको लेना है हमें, और द्राक्षा आदि कषाय उसको हमें इक्वल मात्रा में देकर पेशेंट को पिला देना है। इनकेस अगर बर्न हो जाता है पेशेंट को तो उस केस में हमें मधु और घृत प्रेफरली हमें यूज करना होता है, या फिर अगर हमारे पास शुद्ध घृत का अगर अवेलेबल है तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ना तो ये सभी जो है सावधानियां हैं जो हमें देखनी होती है। तो ये दिस आर ऑल अबाउट दी गंभीर पिंड। तो स्वेदन क्रम में अब चला हम डिस्कस कर चुके हैं अपना प्रतीक्षाली पिंड स्वेद हमने डिस्कस कर लिया है, गंभीर पिंड स्वेद डिस्कस कर लिया है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पत्र पिंड पोटली स्वेद पीपीएस, ठीक है। तो जनरली पत्रपिंड पोटली स्वेद में क्या रहता है, कुछ ऐसे वातशामक और द्रव्य रहते हैं जिनका प्रयोग हमें करना होता है, जिसमें हम कह सकते हैं जो भी हमारे नियर बाय हर्ब्स है, जैसे एरंड हो गया, ठीक है ना, धतूर पत्र हो गया, ठीक है, अर्क पत्र हो गया, या फिर भांग, है ना, इस तरह की चीजें, निरगुंडी पत्र हो गया, इन चीजों का हमें यूज करके अपना बोलस में तैयार कराना होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें हमें मटेरियल रिक्वायरमेंट किस किस की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम कॉटन क्लोथ्स जो है हमें लेने होते हैं, 4 पीसेस कॉटन क्लोथ्स के लेंगे, उसकी नॉर्मली जो लेंथ और ब्रेथ जो है 45 सेंटीमीटर की रहेगी। उसके बाद थ्रीड्स या टैग्स हमें लेने होते हैं 4, ताकि पोटली प्रॉपरली जो हम टाई कर सकें। उसके बाद कुछ ऐसा
जो उसका वेसल होते हैं, ब्रॉड वेसल्स लेने हैं, ताकि जी जैसे कढ़ाई वगैरह हम ले सकते हैं उसको फ्राई करने के लिए, जो भी वाशमक तो जो भी द्रव्य हमने लिए उसको बिल्कुल पहले फ्राई करना होता है, तो उसके लिए हमें ब्रॉड वेसल्स की जरूरत होती है, टावल्स की आवश्यकता बिल्कुल होती है, नीडल्स की, सिलेंडर्स की आवश्यकता होती है, एक अटेंडेंट की आवश्यकता होती है, और जो लीव्स होती है वाशमक लीव्स, चॉप लीव्स की आवश्यकता होती है, करीबन 800 ग्राम हमें लेने हैं। ग्राइंडेड ग्रेडेड कोकोनट में हमें लेना है 100 ग्राम, सौंफ बिल्कुल लेनी है 50 ग्राम के करीबन, सौंफ लेनी है, सोया पाउडर रहता है 50 ग्राम, स्लाइस लेमन इसमें हमें लेना होता है, और जो ऑयल इसमें इंडिकेटेड ऑयल रहता है उसके लिए हमें फ्राई करने के लिए इसमें ऑयल लेना होता है, 100 ग्राम ऑयल होगा, 15 बॉलर्स 250 ग्राम होगा, मसाज करने के लिए 100 ml हमने मसाज ऑयल लिया है, और रासबेरी चूर्ण हमने 5 ग्राम लिया है, ठीक है, रॉक साल्ट यानी कि पैंधव लवण जो होता है वो भी हमें 5 से 10 ग्राम इसमें लेना होगा। अब जनरली जो हम ड्रग्स यूज करते हैं, जो हर्ब्स हमें यूज करते हैं, तो उनमें से हम ले सकते हैं लीव्स ऑफ रिसिनस कॉम्बिनेशन है ना, एरंड पत्र हमें लेना होता है, लीव्स ऑफ धतूरा मेटल है ना, धतूर पत्र जो होते हैं वो हमें लेने होते हैं, लीव्स ऑफ रिसिस निर्गुंडो, निर्गुंडी के पत्र लेने होते हैं, लीव्स ऑफ ड्रमस्टिक, शिग्रू अगर हमें अवेलेबल है तो हमें शिग्रू के लीव्स लेने होते हैं, लीव्स ऑफ अथाटोडा वासिका, वासा पत्र हमें लेना होता है, लीव्स ऑफ बेलिया प्लांटिस कोकोनट्स का, यानी कि जो भी हमें कोकोनट लेना है, ठीक है ना, कोकोनट्स का उसको ग्राइंड कर लेना है, तो उसका यूज हमें करना होता है, और इसके अलावा और भी जो अदर हर्ब्स है जो मेनली वात पर काम करने वाले थे, वात को स्पेसिफाई, वात को पेसिफाई करते हैं, वात को कम करते हैं, तो इस प्रकार से जो है हमें ऐसे पाउडर फॉर्म में हमें हर्ब्स लेनी होती है। अब इसको प्रिपरेशन रहेगा तो कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, तो जो मेथड्स होगा, सबसे पहले तो फ्रेश लीव्स को हम चॉप कर लेंगे, जो भी हमने अभी आपको डिस्कस कराया है कि किन किन जो है लीव्स को हमें लेना है, जैसे रिसिनस हो गया मैंने बताया, एरंड हो गया, दतूर, विटिक्स मेगुंडो, ड्रमस्टिक हो गया है ना, उनको हमें एकत्र कर लेना है, उसके बाद इनको छोटे छोटे पीसीज में हमें काट लेना है, तो चॉप करने के बाद थोड़े से स्मॉल पीसेज में काट लेना है, उसके बाद कोकोनट्स का जो हमने ग्राइंड किया है कोकोनट, उसके साथ बिल्कुल हमने सौंफ लिया है, सौंफ का पाउडर है, और रॉक साल्ट है ना, सैंडल पाउडर है, सोया पाउडर, इनको सबको मिक्स कर लेना है, और ऑयल में फ्राई कर, ठीक है, हमें मेडिकेट लेना है जिसमें हमें इसको फ्राई करना है, और मिक्सर को जब तक ये रेडिश कलर ना आ जाए तब तक जो है हमें इसको फ्राई करना है, ध्यान रखना है कि ज्यादा जो जले ना, ठीक है ना, जस्ट फ्राई हो पाए तो इतना ही हमें फ्राई करना है, फ्राई करना है, उसके बाद जो भी अगर हमने वाट स्पेसिफाइंग पाउडर अगर हमने लिया है, जैसे रसना निर्गुंडी आदि का पाउडर हमारे पास है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, उसके बाद जो भी मिक्सर हमारे पास अवेलेबल है उसको दो पार्ट में हमें डिवाइड देना है, और दो पार्ट में डिवाइड करके हमें दो प्रकार से पोटलिस्ट में हमें बना लेनी है, तो हमारा जो स्टेप रहेगी सबसे पहले क्या क्या रहेगी, तो सबसे पहले तो चॉप लीव जो हमने हर्ब्स लिया है, चॉप लीव्स हम लेंगे, तो उसके बाद फिर उसको फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद उसका बोलस बनाएंगे, है ना, पोटली बनाते हैं, पोटली बनाने के बाद उसका एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं ताकि जो पोटली है वो गर्म रहे, है ना, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हमें उसको रखना होता है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, एक बड़े वेसल्स में, है ना, एक बड़े मुंह वाले, चौड़े मुंह वाले बर्तन में गर्म पानी ले लेना है, जो कि गर्म करीबन लेके चलिए आप जो 40 से 45 डिग्री की टेम्परेचर पर जो है उसका रहना है, तो उसको गर्म कर लेना है उसमें, ताकि जो टोपी वाला जो वेसल है वो प्रॉपरली हमें रख देना है ताकि टेम्परेचर को मेंटेन रहे, उसके बाद वन बाय वन कर हमें जो है पोटली को पेशेंट पर अप्लाई करना है, और इस प्रकार से हमें उसकी मसाज करनी होती है, तो इसके लिए जो प्रिपरेशन रहती है, जैसे
जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, तो सबसे पहले पेशेंट को जो है इसको लेग एक्सटेंडेड फॉर्म में इसको बैठा दिया जाता है, मतलब जो भी अभ्यंगल जो टेबल है, जो द्रोणी है या अभ्यंग करने के लिए जो टेबल है, उस पर उसको पैर जो लेग्स होते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में कर कर उसको बैठा देना है। उसके बाद फिर और एक बात का ध्यान रखना है कि जो उसका पेस्ट है वो पेशेंट टू ईस्ट है ना, ओवर द ड्रॉइंग पेशेंट टू ईस्ट, यानी ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा की तरफ मूव करके बैठा देना है। अभ्यंगम शुड बी परफॉर्म विद प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो भी उसके लिए हमने अलग से एज पर दी कंडीशन होगी, पेशेंट अगर हमें तो मेडिकेटेड ऑयल बताया है तो उस मेडिकेटेड ऑयल का प्रयोग कर हमें उसका अभ्यंगम करना है। पूरी बॉडी को उसका अभ्यंग कर देंगे, उसके बाद 10 मिनट तक अगर हमने बॉडी का अभ्यंग कर देना है, उसके बाद फिर हम चोल जो उसको अप्लाई करना है, सुटेबल चोल उसका अप्लाई कर देना है। उसके बाद प्रिपेयर बॉलर जो मैंने पोटली बनाई है, ठीक है ना, उसको हीट करके गरम गरम उसको, है ना, जो हमने आयरन पैन में हमने 42 से 46 डिग्री टेम्परेचर पर हमने इसको गरम किया है, उसको फिर धीरे धीरे पेशेंट की बॉडी पर अप्लाई करना है। और इशू अप्लाइड आफ्टर चेकिंग द टेम्परेचर थ्रू आउट द बॉडी, है ना, बार बार हमें जो टेम्परेचर है वो हमें चेक करते रहना है, ठीक है। टेम्परेचर डाउन नहीं होना चाहिए और ज्यादा ज्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कम रहेगा तो वो प्रॉपरली जो प्रॉपरली उसका एक्शन नहीं हो पाएगा, इनकेस अगर वो ज्यादा गर्म कर देते हैं, है ना, तो वो जला सकता है पेशेंट को। तो इन चीजों का हमें ध्यान करना है। तो इस प्रकार से हमें जो भी अभ्यंगम की स्टेप है उन प्रॉपरली 7 स्टेप में इसको पेशेंट को हमें अप्लाई कर देना है। और एन एवरेज में 37 से 40 मिनट तक जो है हमें अभ्यंगम करना होता है, पत्र पिंड पोटली स्वेदन हमें करना होता है। टाइम कम हो सकता है या ज्यादा, टाइम कम हो सकता है इनकेस अगर सीजनल गर्मी है ना, या फिर वातावरण गर्म है, हॉट इन्वायरमेंट है, तो उसमें हमें 15 से 20 मिनट तक ही करना होता है। तो ये टोटल करते हैं कंडीशन क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो टोटल जो ड्यूरेशन होगा 30 से 45 मिनट तक रहता है। तो एडिक्वेट सिम्टम्स और ड्यूरेशन, जो एडिक्वेट सिम्टम्स हमें ऑब्जर्व करने होते हैं पेशेंट के, कि प्रॉपरली छेदन हो गया है पेशेंट का, जो ललाट है यानी कि माथा है वहां से स्पीटिंग आने लग गई है पेशेंट को, है ना, इस प्रकार से जो है पता लगता है कि पेशेंट का अभ्यंगम हो गया है। बात करते हैं कि जो पत्रपिंड पोटली स्वेद है, ठीक है ना, वो इंडिकेशंस क्या क्या है, कहाँ पर हम इसको कराएंगे। तो सबसे पहले तो जो एक्यूट लंबैगो के केस होते हैं, ठीक है ना, लंबोसैक्रल पेन है पेशेंट को, एक्यूट कंडीशन है, तो उसमें भी जो है हम पत्रपिंड पोटली स्वेद कराते हैं। स्टिफनेस ऑफ द नेक रीजन, सर्वाइकल है, उसमें हम पेशेंट को कराते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हम पत्रपिंड पोटली स्वेदन कराते हैं। स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट है ना, नी जॉइंट या हिप जॉइंट या शोल्डर जॉइंट अगर स्टिफ है तो उसमें हम पेशेंट को कराते हैं। मस्कुलर क्रैम्प्स अगर है पेशेंट में, या फिर रूमेटोइड आर्थराइटिस हो गया है ना, आम वात के जो पेशेंट होते हैं, जनरली उसमें क्या रहता है कि होल बॉडी उसमें पेनफुल रहती है, सभी जॉइंट स्वेल रहते हैं, तो पेशेंट की काफी ड्रेडफुल कंडीशन होती है, ठीक है। तो उसमें हम उसमें जो है पत्रपिंड पोटली कराते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है ना, संधिगत वात के पेशेंट है, तो उसमें भी हम पेशेंट को जो है पत्रपिंड पोटली स्वेद कराते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ सावधानियां हैं जो रखनी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट दी कैरिंग वाइल फ्राइंग द लीव्स, है ना। तो मतलब पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि ज्यादा फ्राई ना हो, जो भी चॉप्ड हर्ब्स हमने लिया है इसको फ्राई हमें करना है ऑयल में, तो हमें देखना है कि वो ज्यादा फ्राई ना हो, क्योंकि अधिकतर केस में क्या होता है कि वो ज्यादा फ्राई होने से काले हो जाते हैं, जल जाता है, तो वो इतना इफेक्टिव काम जो है नहीं हो पाता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान करना है। सेकेंडली क्या है कि जो टेम्परेचर वो हमें कॉन्स्टेंट रूप में उसको मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद एवरी टाइम द थेरेपिस्ट शुड इंश्योर द टेम्परेचर, ठीक है ना। तो बार बार पे जो थेरेपिस्ट होता है वो टेम्परेचर को एडमिट चेक करेगा, टेम्परेचर जो है ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए और ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, एक कॉन्स्टेंट रेंज में टेम्परेचर पोटली का होना चाहिए, ठीक है ना। और एक बात हो रहा है कि अगर पेशेंट
जो थेरेपिस्ट होते हैं उसको चेक कैसे करेंगे। तो इसको जो है जो पेशेंट पर अप्लाई किया करता है थेरेपिस्ट, तो अप्लाई करने से पहले उसको वहाँ पर चेक करेगा ऑन द डोर्सम ऑफ द हैंड, डोर्सम ऑफ हैंड पर उसको टच करके उसको चेक करता है ताकि जो ओवर हीटिंग ना हो। ठीक है, और क्या करेगा, ऑल्सो इंक्वायर द पेशेंट वेदर टेम्परेचर इज बियरेबल, है ना, ये भी पता करना कि पेशेंट का वो जो है टेम्परेचर तो है नहीं है वो, ऐसा नहीं है कि अचानक आप उसको टच कराएंगे और एकदम से जो है उसको बंद कर सकता है। तो उन चीजों का हमें ध्यान करना है। सेकेंडली, इफ द पेशेंट फील्स एनी का डिस्कम्फर्ट हो दिस और अटेंड गुड रेस्पिरेशन, है ना, अगर पेशेंट को किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट है ना, किसी प्रकार का कोई परेशानी है या वो अनइजी फील कर रहा है, तो हमें तुरंत अपने प्रोसीजर को स्टॉप कर देना है। और सेकेंडली क्या है कि ये हमें ध्यान करना है कि उसका और काफी जो एक जो भी इंडिकेटेड टाइम लिमिट है उतना ही हमें पेशेंट को उसमें कत्रपिन पोटली सेव करना है। ठीक तो है, तो इन बातों का हमें ध्यान करना है। सेकेंडली क्या है, यहाँ जो आइडियल टाइम टू परफॉर्म पे द प्रोसीजर बिटवीन 7 to 8 AM, मॉर्निंग में जो है हम करते हैं, जनरली हमें प्रेफर करना होता है, और जो है 2 बजे के बाद, जैसे भाई 3 to 6 PM के अराउंड जो हमें करना होता है, क्योंकि टेम्परेचर उस टाइम कम रहता है। ठीक है ना, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी हमें चीजों को देखना होता है। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर पेशेंट को हो जाती है ना, जैसे कॉम्प्लिकेशन में बर्न हो सकता है ना, पेंटिंग हो सकते हैं पेशेंट को, या एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं। ठीक है ना, इन चीजों का हमें ध्यान करना है और तुरंत जो है प्रोसीजर को स्टॉप कर देना है। ठीक है, इन केस अगर बर्न्स है जैसे मैंने बताया है ना, तो दूध घृत हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इन केस अगर एलर्जिक रिएक्शन पेशेंट पे आ रही है तो उसमें हम जाते आदि ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट को फेंटिंग हो रही है तो ठंडे पानी के छींटे जो है हमें तो फेस पे हमें स्प्रिंकल करने होते हैं। ठीक है, और क्या करना होता है, और इसमें जो है एक कॉटन क्लॉथ जो है हमें उसमें डिप करता है ना, कोल्ड वाटर में डिप करके निचोड़ कर उसके सर पे भी हमें रख लेना होता है ताकि उसको किसी प्रकार का जो है अनइजी फील ना हो। तो ये सभी चीज हेयर पिन सेव और पत्र पिन पोटली सेव। ठीक है, प्रॉपर्ली, और नेक्स्ट में आपसे जो है इनका डिवाइस जो है इनका वो टेस्ट जो है इनका मुझे लेना है। ठीक है, तो इस नेक्स्ट क्लास में एक बार जो भी हमने स्वेदन क्रम अपना पूरा डिस्कस किया है, तो उसका हमें प्रॉपरली जो है इसको रिवाइज कर लेना है, और मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन करूँगा, तो आप लोग प्लीज प्रिपेयर होकर आइएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। क्लास का किसी ने कुछ पूछा है, या इससे पहले क्लास का कुछ अगर डिस्कस करना है तो वी कैन आस्क। कुछ पूछना है किसी को, एनीबडी वांट्स टू आस्क समथिंग, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकता है। और जो भी मैं वीडियोस या फिर जो भी पीपीटीज में शेयर करता हूँ, प्लीज आप उन्हें देखिए और अपने नोट्स पर टेक कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ना नबाल में नोट करते हैं उस क्लास में डिस्टर्ब नहीं करता हम।